काशीपुर के राजकीय अस्पताल से सटे आम के बगीचे में बीती रात अचानक एक पेड़ अस्पताल की दीवार पर गिर गया। घटना में अस्पताल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। रात का समय होने के कारण अस्पताल में भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। काशीपुर के राजकीय अस्पताल से सटे भूमि पर आम के बगीचे में कई विशाल पेड़ हैं, जो अस्पताल परिसर तक आते हैं। किसी अनहोनी की आशंका के चलते प्रबंधन द्वारा पहले ही प्रशासन को लिखित आवेदन देकर पेड़ों की लॉपिंग की मांग की गई थी, जिस पर उप जिलाधिकारी ने वन विभाग को आदेशित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा था। वन विभाग के कर्मचारियों ने भी मौके पर निरीक्षण कर बाग मालिक से पेड़ों की लॉपिंग के लिए सहमति मांगी थी। सहमति मिलने के बाद भी स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते आखिरकार राजकीय अस्पताल में एक विशाल पेड़ दीवार पर गिर गया। गनीमत रही कि रात का समय होने के कारण अस्पताल परिसर में भीड़ नहीं थी। दिन के समय मरीज और उनके परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचते हैं, ऐसे में दिन का समय होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। रात के जो अर्ली मॉर्निंग जो है चार से पाँच बजे बीच में एक पेड़ जो है अपने आप ही गिर गया था, टूट के जो है हमारे बाउंड्री ओएसटी के बगल से। तो वहाँ पे ये तो है कि रात के समय हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हमने पहले से भी वन विभाग को लिख रखा है, इसके परमिशन लॉपिंग के लिए ले रखे हैं, क्योंकि वो हमारे पेड़ नहीं है, दूसरी पार्टी के पेड़ है वो। तो उस उनकी सहमति से हमने जब परमिशन आ जाए, हमें और भी हमारे से कमरों को खतरा, ब्लड बैंक को, हमारे से आई सेंटर को भी, उसकी छत पर भी मकान आ रहे हैं, हमारे ओएसटी पे भी आ रहे हैं। तो जैसे ही उसकी परमिशन आते हैं हम उनको कटवा देंगे। और हमारी उससे बात भी हुई है, जो मकान जो बाग का मालिक है जो है, तो उससे वो कह रहा है कि मैं खुद कटवा दूंगा। निजी भूमि में पेड़ खड़े हैं ना, किसी की निजी भूमि में है, तो वो निजी भूमि वाला अगर नहीं कटवाना चाहता है तो उसके लिए विभाग कोई उत्तरदायी नहीं है। अगर वो अप्लीकेशन लगाता कटवाने के लिए तो विभाग उसको मंजूरी दे देता, तो लिहाजा उसके द्वारा कोई अप्लीकेशन लगाई नहीं गई है। वो निजी प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल की नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, तो वही जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।